में लीडर मुर्गा बने हुए हैं। खातिन का मुश्तरका आंदोलन है। किसी एमएलए की हिम्मत हुई होगी कि वो किले में आकर या हमारी बस्ती में आकर इस तरह से धमकी देकर चला जाए, लीडरान मुर्गा बन जाए तो आवाम को खड़े होने की जरूरत आ जाती है। सियासी तौर पर लीडर इसलिए मानती है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो तुम मेरे माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा जो चरखा चलाती है, जो इस शहर को बनाने में रही है। संविधान में लिखा है कि हम सब भारत के लोग हैं। बड़ा मंत्री हो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जो उस पार सेकुलर जहन रखते हैं उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो लोग भी धरने में है। कई इत्तेहाद है कि बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने झुकते हैं। दावत का प्लान बने तो हस्बैंड के सारे दोस्त यही आते। कोई कहे ऐसी दावत कहीं चखी नहीं, तो कोई कहे ऐसे मसाले का जवाब नहीं। सीमा मसालों से सबकी जायकेदार फरमाइशें पूरी होती है, तो दोस्ती का मजा चखते हैं। सीमा मसाला और इमली की चटनी, खुशियां चख लो। ऐसा किसी एमएलए की हिम्मत हुई होगी कि वो किले में आकर या हमारी बस्ती में आकर इस तरह से धमकी देकर चला जाए, मगर आज हमारे लीडरान अंतरी के आगे तमाम लीडरान मुर्गा बने हुए हैं। ये चू भी नहीं करते उनके सामने। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तुम अगर अवामी नुमाइंदे हो, तुम अगर सियासी सामाजिक काम काज करते हो तो तुम अवाम को जवाब दे हो। अवाम ने तुमको नुमाइंदा इसलिए बनाया है, तुमको सियासी तौर पर लीडर इसलिए मानती है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो तुम बोलो। मगर जब हालात ये हो जाए कि लीडरान मुर्गा बन जाए तो आवाम को खड़े होने की जरूरत आ जाती है। अरे माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा जो चरखा चलाती है, जो इस शहर को बनाने में रही है, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि उस चरखा आंदोलन में शिरकत करें। ये मर्द और ख्वातीन का मुश्तरका आंदोलन है दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से। अगर आज तुम नहीं खड़े हुए, आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाई, आज तुम जालिम के सामने डट कर नहीं खड़े रहे, तो ये समझ लो आने वाले वक्त में वो इससे ज्यादा फिरका परस्ती करेंगे, इससे ज्यादा तुम्हारे साथ नाइंसाफी होंगी और प्रशासन और डिपार्टमेंट तुमको ही दबाने की कोशिश करेगा। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, मगर हम ये चाहते हैं कि इस शहर में, इस मुल्क में कानून से बड़ा कोई मंत्री नहीं है। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो कानून है, और इसीलिए चरखा आंदोलन हम कर रहे हैं ताकि गांधी ने जिस हथियार का इस्तेमाल जालिम हुकूमत के लिए किया था, उसी चरखे का इस्तेमाल हम एक जालिम खिलाफ करना चाहते हैं, ताकि ये मैसेज जाए पुलिस डिपार्टमेंट को भी कि ये शहर के लोग कानून की पासदारी करते हैं तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई अगर कानून तोड़ रहा है, कोई तकरीर और नारेबाजी हमारे खिलाफ कर रहा है जिससे दिल आजारी हो रही है। आज एक समाज, एक मजहब की दिल आजारी मुसलसल हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं की जा रही है? इन सब सवालात को लेकर एक जबरदस्त धरना आंदोलन आओ चरखा चलाए के नाम से 11 जुलाई दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शहीदों की यादगार, जहाँ पर संविधान लिखा है और संविधान में लिखा है कि हम सब भारत के लोग हैं, उसमें हम जो सेकुलर लोग हैं, जो नदी के उस पार सेकुलर जहन रखते हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो लोग भी इस धरने में आए, क्योंकि कानून और संविधान इस शहर में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई इस मुल्क में नहीं है। कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। यही मैसेज देने के लिए हमने वो धरना आंदोलन किया है, और आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि अकेले मुझसे या अकेले किसी और फर्द से कभी दबाव नहीं पड़ता। जब जालिम बहुत ताकतवर हो तो अवाम को एक साथ आना होता है, और वो अवाम का ही इत्तेहाद है कि बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने झुकते हैं। जब तुम कानून के दायरे में रहकर कोई एहतजाज करेंगे और इत्तेहाद के साथ करेंगे, तो हर हाल में मैं ये मानता हूँ कि उसका मैसेज डिपार्टमेंट और सरकार तक जाएगा, और तुम्हारे ऊपर जो जुल्म मुसलसल हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेंगी, और ये शहर में जो हमारा अवामी दबदबा है वो कायम रहेगा। मैं दोबारा तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ जो यहाँ खड़े हैं, अपने अपने हिस्से में अपने अपने दोस्तों अहबाब को 11 जुलाई को 2 बजे से 5 बजे तक जो चरखा आंदोलन है उसमें शिरकत करने के लिए बोलिए। आप
हम बेदारी के लिए निकले हैं, मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, आप दूसरे तक पहुंचाइए ये।